अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। ओबीसी समाज तहसील जिंतूर जिला परवनी की ओर से जिंतूर के तहसील कार्यालय पर आज तारीख 25 जून 2021 शुक्रवार के रोज जिंतूर तहसीलदार के द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन देते हुए तहसील पर धरनोलन करते हुए घोषणाबाजी की गई। दिए हुए निवेदन में कहा है कि स्थानीय स्वराज्य संस्था में ओबीसी के आरक्षण संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओबीसी की जनगणना उसी तरह ओबीसी का पिछड़ापन साबित कर फिर से ओबीसी इनके खारिज किए हुए राजकीय आरक्षण देने के लिए और न्यायालय में निर्णय के तहत कार्रवाई करे। पिछड़े वर्ग को अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के मांग की गई है। ऐसा नहीं किया गया तो समूचे राज्य में लोकशाही तरीके से आंदोलन छेड़ेंगे। भविष्य में ओबीसी समाज धरना, रास्ता रोको, जेल भरो आंदोलन करेगा। इस निवेदन पर नाना साहेब राउत, समता परिषद के तहसील अध्यक्ष दत्ता भाव काले, श्रीमती मनीषा केंद्रे, राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला अध्यक्ष जिंतूर प्रसाद राव बुधवंत, गणेश राव उसी तरह श्याम सारंग, प्रभाकर वागीकर, श्याम मस्के, राजेंद्र नागरे, सुधाकर सानप, संदीप काले, रोहिदास राठौड़, नागनाथ पुनेकर, मनोहर डोईफोड़े, अर्जुन वजीर, संजय घुले, बंडू लांडगे के अलावा बड़ी संख्या में सकल ओबीसी समाज मौजूद था। विजय असो, शामिल व्हा, शामिल व्हा, शामिल व्हा, शामिल व्हा, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। परवनी शहर के प्रभाग समिति अ और ब में 3 दिन तक पानी नहीं छूटेगा। इसकी बात यह है कि परवनी शहर से येलदरी जलपूर्ति करने वाली मुख्य राइजिंग जल पाइप बोरी तहसील जिंतूर के महामार्ग के काम के दरमियान तारीख 24 जून 2021 गुरुवार के रोज फूट जाने से शहर में तारीख 25 से लेकर 27 जून के दरमियान जल आपूर्ति यानी कि पानी पुरवठा खंडित किया जा रहा है। बोरी गाँव के करीब महामार्ग के काम के कारण येलदरी से परवनी आने वाली सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फूट जाने से हजारों लीटर पानी बहकर आसपास के खेतों में चले जाने से खेती का बड़ा नुकसान हुआ है। हाईवे का काम करने वाले गुत्तेदार पर पाइप फोड़कर हजारों लीटर पानी चले जाने का और परवनी शहर के नागरिकों को होने वाली देरी को लेकर मनपा प्रशासन कार्रवाई करेगी क्या, ऐसा प्रश्न निर्माण हो रहा है। दरमियान महानगर पालिका की ओर से प्रेस नोट प्रसिद्ध प्रमुख राजकुमार जादव द्वारा निकालते हुए जेसीबी से पाइपलाइन फूटने की जानकारी देते हुए एक पथक घटना स्थल पर रवाना हुआ है। दुरुस्ती का काम जारी है, परंतु प्रभाग समिति और ब के नागरिकों को 25 से 27 तारीख के दरमियान छोड़े जाने वाला पानी अब नहीं छूटेगा, ऐसा प्रसिद्ध प्रेस नोट में बताया गया है। एसटी महामंडल के गंगाखेड़ डिपो के ड्राइवर से 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वाहन परीक्षक सूर्यकांत पांडुरंग दही पड़े, इसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने तारीख 24 जून 2021 गुरुवार के रोज शिकंजे में कसा है। डिपो के ड्राइवर 3 साल पहले पैरालिस के झटका आया हुआ था। तकरीबन 1 साल तक वो बीमार थे। 1.5 साल के बाद वो ड्यूटी पर हाजिर हुए, तब आगरा व्यवस्थापक किशन कराड़े इससे मुलाकात करते हुए भागदौड़ की ड्यूटी ना लगाते हुए विनती की गई थी। कराड़े इन्होंने पैसों की मांग की और वाहन परीक्षक दहीपड़े से मुलाकात करने की बात कही। दहीपड़े से मुलाकात में व्यवस्थापक और उन्हें हर महीने 3000 रुपए दे ऐसी सलाह दी गई। इस ड्राइवर ने एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इस मामले की तकरार दाखिल की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने तुरंत गवाहों के साथ कार्रवाई की। तकरारकर्ता ने ड्राइवर की ड्यूटी लगाने के बजाय डीजल पंप पर ड्यूटी लगाने के लिए कहा तो परीक्षक दहीपड़े इन्होंने 12000 रुपए की रिश्वत मांगी। तारीख 24 जून 2021 गुरुवार के रोज जाल बिछाकर 5000 रुपए पहला हफ्ता साक्षीदारों के सामने लेते हुए दहीपड़े को हिरासत में लिया गया। मामले में गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल किया गया है। एसपी कल्पना बारवरकर, एडिशनल एसपी अर्चना पाटिल इनके मार्गदर्शन पर डीवाईएसपी भरत हुबे, कटारे चट्टे, धबड़गे, हनुमंते, मुखीत, कुलकर्णी, दंडवते, टेहरे, कदम, हबीब इनके पथक ने ये कार्रवाई की है। शिक्षकों के विविध मांगों को लेकर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख शिक्षण परिषद की जिला शाखा परवनी की ओर से जिला परिषद के शिक्षा सभापति को निवेदन दिया गया। इस समय निवेदन पर प्रदेश संगठक बाल साहेब यादव, जिला अध्यक्ष गजानंद सोलंके, सचिव शंकर भिसे, कार्याध्यक्ष सतीश कुमार सातपुते, तहसील अध्यक्ष रवि लोहट, मार्गदर्शक नवनाथ जाधव, राम गारकर, उपाध्यक्ष हनुमान जाधव, उसी के साथ संगठक रत्नाकर काले आदि इस समय मौजूद थे। इनके इस निवेदन पर हस्ताक्षर मौजूद है। इस समय इन पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। परंतु परवन जिल्ह्यामध्ये सर्व शिक्षकांना माननीय शिक्षणाधिकारी यांच्या पत्रानुसार 100% उपस्थितीचे आदेश आहे आणि म्हणून मागणी अशी आहे की आमची माननीय शिक्षण संचालक यांच्या यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने शिक्षकांना विविध अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना भेटून
आमच्या ज्या काही शिक्षकांच्या मागण्या आहेत त्या मांडण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी माननीय शिक्षण सभापती साहेबाकडे आलो होतो. तर त्यांच्याशी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं या आमच्या संघटनेच्या मागण्यांच्या संदर्भानं खूप चांगली चर्चा झालेली आहे. आणि आत्ताच आमचे जिल्हाध्यक्ष गजानन सोळंके सरांनी सांगितलेल्या पद्धतीने आमच्या सगळ्या शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग दर महिन्याला किंवा शक्य असल्यास 2 किंवा 3 महिन्याला निदान या ठिकाणी शिक्षकांच्या मागण्याच्या संदर्भानं आणि शिक्षणाच्या प्रगतीच्या संदर्भानं एक चांगली चर्चा होऊन एक चांगलं वातावरण शिक्षण क्षेत्रात निर्माण व्हावं या अपेक्षेनं आम्ही या मीटिंगची अपेक्षा करतो. आणि पूर्ण जिल्हाभरात पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना चांगल्या पद्धतीचा दिलासा मिळावा आणि या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण व्हावं यासाठी संघटना अधिकारी आणि पदाधिकारी पालक यांचं समन्वय होऊन एक चांगलं वातावरण जिल्हाभरात तयार व्हावं यासाठी आम्ही या ठिकाणी साहेबांशी चर्चा करायला आलो आणि खूप चांगली चर्चा झाली. कोरोना की दूसरी लहर अब खत्म होते नजर आ रही है. मुंबई पुणे जैसे मेट्रो सिटी में भी अब पूरे तरीके से थिएटर और मॉल जो तो रात की देर तक चालू रह रहे थे, पर अन्य जिलों में भी इस तरह कैसा माहौल बना हुआ था. इसी को देखते हुए पूरे शहर में एवं जिले में और मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में अब सुकून का माहौल आएगा ऐसा समझ में आ रहा था. राज्य में धीरे धीरे कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आती दिखाई दी. इसी दौरान अब डेल्टा प्लस वेरिएंट के चिंता बढ़ा दी है. देश में सभी जगह डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज महाराष्ट्र में मिलते दिखाई दे रहे हैं. इसके कारण इस पार्श्वभूमि पर राज्य सरकार ने नई नियमावली जारी की है. इस नियमावली के अनुसार सोमवार से राज्य के सभी जिलों में 5 टप्पों में से 3रे टप्पे पर घर धरते हुए इन्हें 3रे टप्पे के नियमों के तहत ही सोमवार से पूरे नियम लागू रहेंगे. राज्य के किसी भी जिले में 3रे टप्पे के नीचे नहीं रखा जाएगा. राज्य के जिले के अलग अलग विभागनी जो की गई थी, जो अलग अलग रखे गए थे 5 टप्पे, वो टप्पे अब खत्म हो चुके हैं. हर राज्य के हर जिले में कोरोना परिस्थिति का आढ़ावा लेकर 5 टप्पे में जो विभाजनी की गई थी उसको देखते हुए आज आढ़ावा बैठक ली गई और सरकार ने उसमें नियमावली महत्वपूर्ण बदल किया है. उसके तहत राज्य के सभी जिलों में 3रे टप्पे का निर्बंध लागू कर दिए गए हैं. सभी जिले में महापालिका 3रे टप्पे के ऊपर जो तो नहीं रहेगी. राज्य के जिले के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण जिले को 3रे टप्पे में रखना जरूरी है ऐसा बताया जा रहा है. दुकानें 4 बजे तक खुली रहेगी तो शनिवार रविवार को बंद रहेगी और उसी साथ सिनेमाघर थिएटर ये बंद रहेंगे. होटल्स को जो 4 बजे तक चालू रहेंगे और 50% में क्षमता में चालू रहेंगे. उसी के साथ साथ शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से यानी कि ग्राउंड मैदान और उसी के साथ गार्डन इन चीजों को बंद रखा गया है और मैदाने और जिनिंग के लिए सुबह 7 से लेकर तो सुबह 9 बजे तक का टाइम रखा गया है. सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के तहत शुरू रहेंगे. ऑफिसर्स को भी इजाजत मिलने पर 50% ही रखा जाएगा. सार्वजनिक यातायात 100% क्षमता से शुरू रहेगी, उसमें खड़े रहे प्रवासी ऐसे नहीं रहेंगे. जिम सलून उसी ये 50% क्षमता में दोपहर 4 बजे तक चालू रहेंगे. शादी हॉल मंगल कार्यालय ये 50% क्षमता से खुले रखने की इजाजत दी गई है और उसमें कम से कम 100 लोग की हाजिरी रहेगी ऐसी इजाजत दी गई है. अंतिम विधि के लिए सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति हाजिरी बताई गई है. ये सभी नियम और सोमवार से जारी रहेंगे ऐसा बताया गया है. ओबीसी का स्थानीय स्वराज्य संस्था के आरक्षण पहले की तरह करने के खातिर समता परिषद की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया और ये मांग की गई. सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त अक्षरों के याचिका पर नागपुर, अकोला, वासिम, नंदुरबार, गोंदिया इन जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति के ओबीसी आरक्षण खारिज किए हैं, जिससे ओबीसी समाज को मिलने वाले राजनीतिक आरक्षण धोखे में आया हुआ है, जिससे ओबीसी समाज का बड़ा नुकसान हो रहा है. इसलिए ओबीसी को पहले की तरह आरक्षण प्रदान करे और इंसाफ दे ऐसी मांग की गई है. समता परिषद की ओर से की गई इस मांग के समय जिला संपर्क प्रमुख साहेबराव जाधव, जिला अध्यक्ष कृष्ण कटारे, संगीता धोंडीराम सातवने, प्रभु देवा जाधव आदि हाजिर थे. आज सावता परिषद परभणी शाखेच्या वतीनं जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री व पंतप्रधान या दोघांना निवेदन देण्यात आलेले आहे. सुप्रीम कोर्टाने जे ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आरक्षण अर्धवट ठरवले आहे, यामुळं सर्व ओबीसी समाजामध्ये ओबीसी प्रवर्गामध्ये एक फार मोठी अस्वस्थता पसरलेली आहे. याच्यामुळं आमच्यासारख्या युवकांवरती काही आमच्यासारख्या युवकांचं राजकीय अस्तित्व संपुष्ट आलेलं आहे पूर्ण. त्याच्यामुळं मागंसुद्धा आम्ही ओबीसी संघर्ष समिती असो, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद असो, या सर्वांच्या आंदोलनामध्ये सावता परिषदेने सक्रियपणे सहभाग नोंदवलेला आहे. आणि जर हे आरक्षण आमचं रद्द करून पूर्ववत नाही केलं आणि आमचं राजकीय आरक्षण असो किंवा ओबीसीचं आरक्षण जर संरक्षित नाही केलं तर येणाऱ्या काळामध्ये सावता परिषदेचे माननीय कल्याणराव आखाडे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र असे आंदोलन छेडण्यात येईल.
जिल्हा सरकारी अस्पताल के सिस्टर नर्स ब्रदर्स का काम बंद आंदोलन। आज तारीख 25 जून 2021 शुक्रवार के रोज गुस्साई सिस्टर नर्स ब्रदर्स इनकी संगठन की ओर से काम बंद आंदोलन का पुकारा गया। अपने विविध रुके हुए मांगों को लेकर यह आंदोलन पुकारा गया। राज्यव्यापी आंदोलन में यहाँ के जिला सरकारी अस्पताल के सिस्टर नर्स ब्रदर पूरी तरह से शामिल हुए। 21 और 22 जून को सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक का 2 घंटे का काम बंद आंदोलन किया गया था। उसी के साथ साथ 23 और 24 जून को 2 दिन के लिए काम बंद आंदोलन किया गया, लेकिन आज तारीख 25 जून 2021 शुक्रवार से बेमुद्दत काम बंद आंदोलन शुरू किया गया है। संगठन के उपाध्यक्ष सुजाता कांबळे, श्रीमती राजस्वी ताजवे, शीला गोचडे, परिषद धोईफोडे, नीलकंठ हटकर, जितेंद्र टोपे, विठ्ठल शिंदे, मुंजाजी खोलगने, किरण पारधे, अमोल कुमार गवाने आदि हाजिर थे। आंदोलनकर्ताओं ने मांगे पूरी नहीं होने तक तब तक आंदोलन जारी रखने का बात कही है। इस समय यहां के ज्येष्ठ वकील एडवोकेट अफजल बेग, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल्ला राज, शेख इस्माइल आदि ने भी आंदोलनकर्ताओं को समर्थन दर्शाते हुए क्या कहा है, आइए जानते हैं। भगिनींनी व्यवस्थित काम केलेलं आहे, स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता कोणी आई गमवली, कोणी वडील गमवले, या सगळ्यांचं थोडंसं सार त्यांना मिळावं, त्यांचा हक्काचा विमोसुद्धा त्यांना मिळालेला नाही। संघटना मुख्यालय लातूर यांनी राज्यस्तरीय नर्सेसचं आंदोलन छेडलेलं आहे। या आंदोलनामध्ये नर्सेसला जोखीम भत्ता हा आमची प्रमुख मागणी ही भेटली पाहिजे। पदनामामध्ये नर्सिंग ऑफिसर हे आलं पाहिजे, पदभरती झाली पाहिजे। जे कोविडमध्ये मरण पावलेले आमच्या कोविड शहीद योद्धे आहेत यांना 50 लाखाचा विमा आम्हाला त्वरित भेटलाच पाहिजे अशा आमच्या संघटनेतर्फे मागण्या आहेत। और भारत देश कोरोना काल से गुजर रहा है, जब कोरोना अपनी चरम सीमा पे था तब लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने टेम्पररी अपॉइंटमेंट किए थे कोरोना योद्धा और वॉरियर्स की हैसियत से। जिस समय सगे भाई बहन छोड़ के जा रहे थे उस समय इन ब्रदर्स एंड रियल सिस्टर्स, बायोलॉजिकल ब्रदर्स और सिस्टर्स से बढ़ के इन्होंने काम किया था। अब सरकार को चाहिए कि जो सिस्टर्स और जो ब्रदर्स कोरोना से लड़ते समय जिनकी जान गई, जो शहीद हुए, उनको 50 लाख रुपए का जो बीमा कवरेज है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। और इन लोगों को इन्होंने जो काम किया उसके लिए एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, एक्स्ट्रा भत्ता देना चाहिए। और साथ ही जब बुरा समय था तो इनसे काम लिया और इन लोगों ने भी देश की सेवा की, राष्ट्रहित में काम किया, लेकिन आज इन लोगों को चल के जिंदगी भर के इनके रोजगार के लिए सरकार ने इनको परमानेंट अपॉइंट करने के लिए फोर्थ वीर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। और यही देश हित में है। अगर ऐसा होता है तो भारत में मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट अच्छे से चलेगा और देश कोरोना से आने वाली अगली जो वेव थी, थर्ड वेव की जो बात की जा रही है, उससे अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। जिन लोगों ने बुरे समय पर अपने घर का, ना सिर्फ अपनी जान का जोखिम लिया बल्कि अपने मासूम छोटे बच्चे, पूरे फैमिली, अपने बूढ़े माँ बाप की भी जान जोखिम में डाली और पब्लिक की हेल्थ को ट्रैक पे लाने के लिए काम किया है, वो समय बुरा वक्त गुजरने के बाद इन्हें भूलना नहीं चाहिए। और इन्हें जल्द से जल्द फोर्थ विद बहुत ही जल्दी सरकार ने ऐसे कदम उठाना चाहिए कि 50 लाख का जो इंश्योरेंस कवरेज था वो देना चाहिए, इनको एक्स्ट्रा भत्ता देना चाहिए और इनके परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए सरकार ने सबसे पहले स्टेप्स लेने चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।